एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई भाई सोने ढाका जी और साथियों के नेतृत्व में, और आपने देखा कि कितना बड़ा जन समर्थन बागपत की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है, जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया है। दरअसल सही जन विश्वास ये है जो आज देखने को मिला, और वो जन विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रति है, क्योंकि हमने एक दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत किया जहां हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात उत्तर प्रदेश के लोगों को कर रहे हैं। मतदान आम आदमी पार्टी ने किया है, 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल देने का वादा किया है, गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, और 5000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा और गारंटी हमने की है। तो हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाई, और उसकी बदौलत किसानों के एक साल के आंदोलन की बदौलत सरकार को विवश होकर तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री जी का बयान आता है कि हम एक कदम पीछे हटे जरूर हैं, लेकिन नए तरीके से इस कानून को दोबारा लेकर आएंगे। ये खतरा है किसानों के ऊपर आज भी, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का ये सबसे बड़ा मौका है 2022 का चुनाव, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार ने गन्ने का दाम 5 साल तक नहीं बढ़ाया, अंतिम वर्ष में कुछ दिखावटी के लिए काम किया इन्होंने, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर इनकी सरकार से उम्मीद थी, फर्जी इनकाउंटर इनके शासन में हुए, इस सरकार से उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हमने देखा कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 12000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55000 में खरीदा गया, 8 लाख का बच्चों का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, और ये सारे भ्रष्टाचार मैंने खोले और इसकी शिकायत की। प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला किया गया, उसके कागजात और उसकी शिकायत मैंने की, उसके सारे तथ्य मैंने सामने रखे। तो ये सरकार कोरोना की महामारी में भी पूरी तरीके से फेल साबित हुई, हमने देखा नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई मिली, लेकिन सरकार की प्राथमिकता है शमशान बनाने की। ये लोग ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसमें इनकी प्राथमिकता गांव-गांव में शमशान बनाने की है, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा मॉडल लेके आ रहे हैं जिसमें हम शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी की बात कर रहे हैं। नवीन गुर्जर जी के समर्थन में यहाँ की जनता आगे आएगी और अपना आशीर्वाद और वोट देगी और इनको यहाँ से जिताएगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। देखिए, मैंने स्पष्ट किया था, आज पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने उस दिन भी कहा था, और गठबंधन की दिशा में कोई बात हुई नहीं, इसलिए गठबंधन का कोई प्रश्न नहीं। 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी का बयान आया है कि ओवैसी भी जब भाजपा जीत जाएगी चुनाव पहनेगी, इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, वो क्या बयान देते हैं नहीं देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय मुद्दों पर वोट देना चाह रही है, और उसके सामने मुद्दा है किसानी का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है बिजली का, करते रहते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। अब लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं, मुद्दों पर वोट होगा, और इसलिए हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? किसान संगठनों ने वहाँ पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात कही जा रही है, तो कहाँ तक कुछ बातचीत हुई है, कुछ ले चली होगा? आज ऐतिहासिक जीत चंडीगढ़ में हुई आम आदमी पार्टी, ये इस बात का संकेत है कि अब ये लोग उठ चुके हैं। अभी दोहरा दे रहा हूँ, मेडिकल साइंस जो भी कहता है, हमारे एक्सपर्ट, हमारे डॉक्टर्स जो भी कहते हैं, उसके हिसाब से आप कार्रवाई कीजिए, जनता का जीवन बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम है उसको उठाइए, लेकिन इसमें चुनावी राजनीति का खेल मत खेलिए। हमने देखा बंगाल के समय में लोग मर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना चाहिए, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और जो चुनाव आयोग डॉक्टर्स की जो सलाह हो, एक्सपर्ट्स जो हमारे कहते हो,
कोरोना से बचने के लिए जितने कदम उठाने की जरूरत है उठाइए, हम साथ देंगे। लेकिन ये राजनीति के दृष्टि से कि हम विपक्ष का कार्यक्रम नहीं होने देंगे, अपना कार्यक्रम चला